तगाकू के बारे में बताऊंगा और इस साल के वर्ल्ड तगाकू डे के बारे में भी बताऊंगा। वर्ल्ड नो तगाकू डे 31 मई को मनाया जाता है। हर साल इसके अलग अलग थीम्स होते हैं। इस साल का थीम था स्टॉप इलिसिट ट्रेड ऑफ तंबाकू, मतलब तंबाकू की स्मगलिंग या तंबाकू की इलीगल ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। ये थीम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने शुरू किया था। ये हर साल 31 मई को होता है और इस प्रोग्राम में जो WHO के लोग होते हैं वो इसके हेल्थ रिस्क को हाईलाइट करते हैं ताकि लोगों को पता चले और लोगों को खुद कर पाए। वो फेमस लोगों को एड्स पे लाते हैं क्योंकि एड्स का बहुत असर होता है लोगों पे और इन एड्स के जरिए भी लोग खुद कर पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया इस साल का थीम था स्टॉप इलिसिट ट्रेड ऑफ टबैको। तो आइए अब इसके बारे में बात करते हैं, इस टॉपिक के बारे में। पहले तो हम ये जानते हैं कि इलिसिट ट्रेड होता क्या है। इलिसिट ट्रेड इज बेसिकली स्मगलिंग। इट इज द इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, परचेज, सेल और पोजेशन ऑफ गुड्स फेलिंग टू कंप्लाई विद लेजिस्लेशन। मतलब कि ये जो है सिगरेट्स और तंबाकू की इलीगल ट्रेडिंग है बिना गवर्नमेंट को पता चले। ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल कंसर्न है क्योंकि इसमें हेल्थ, कंट्री का पैसा, लोगों का पैसा भी बर्बाद होता है। ये इलिसिट ट्रेड या फिर स्मगलिंग कह सकते हो, ये स्पेशली यंग पीपल यानी टीनएजर्स पे या बच्चों पे फोकस करते हैं क्योंकि वो बच्चे इनकी बहुत मदद कर सकते हैं। ये तंबाकू यूजर्स को मिसलीड करते हैं, इन्हें गलत दिशा दिखाते हैं, उस पे सिगरेट के पैकेट पे वार्निंग भी लिखे ताकि सिगरेट स्मोकिंग को पता ना चले और वो करते जाए। टबैको इज मेड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टबैको प्लांट। टबैको का एक प्लांट आता है वो उसकी पत्तियों से बनता है। सिगरेट्स भी स्ट्राइड टबैको, सूखे टबैको से बनाए जाते हैं। टबैको के अंदर होता है निकोटीन। निकोटीन से ही एडिक्शन होता है। निकोटीन एक ड्रग होता है जो आपके नर्वस सिस्टम से एक बहुत ही जोरदार असर डालता है जिसकी वजह से आपको लगता है अब आप इस नशे को छोड़ दो। अगर आप एक सिगरेट नहीं पियोगे आपको हाथ काटने लगेंगे, आपको लगेगा अरे मैं करने वाला हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे जल्दी दो, मुझे सिगरेट पीना है। टबैको शुरू से भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे आप इसे सिगरेट की तरह पी हो, इसे सांस ले के ले सकते हो, च्यू कर सकते हो या फिर डिपेंड वो होता है अपने जॉ और अपने दांतों के बीच में उसे रखने के लिए। दोनों ही सभी तरीकों में ही आपकी बॉडी पर असर पड़ता है। सिगरेट स्मोकिंग सबसे ज़्यादा हानिकारक तरीका है। ये 4000 टॉक्सिक केमिकल्स और 60 कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेन सबसे हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाते हैं। तो ये सिर्फ खाली धुआं ही नहीं, इसके साथ 4000 केमिकल भी मिले हुए हैं। वर्ल्ड वाइड टबैको कॉजेस नियरली 6 मिलियन डेथ्स पर ईयर। 5.5 से 6 मिलियन डेथ्स होती हैं और अभी करंट ट्रेंड्स बता रहे हैं कि 2030 तक 1 मिलियन तक ये पहुंच सकता है अगर ये रोका ना जाए। सिर्फ खाली US में 480,000 डेथ्स होती हैं, 41,000 डेथ्स होती हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग, जैसे पैसिव स्मोकिंग मैंने आपको बताया था। कोई दूसरा आप जो स्मोक करें वो इनहेल करके मर रहा है, जिसकी गलती नहीं है वही मर रहा है। मतलब 1,300 डेथ्स हर दिन। स्मोकर्स जो हैं नॉन स्मोकर्स से 10 साल जल्दी मरते हैं। यूथ स्मोकिंग, स्मोकिंग ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ टीनेज में शुरू होती है यानी 13 से 19 ईयर्स तक। 90% से ज़्यादा लोगों ने इस एज में स्मोकिंग शुरू करी थी। अगर आप 20 साल तक इसे नहीं करते हैं तो चांस ये है कि आपको नशा नहीं कर सकते हैं सारी जीवन। अब ये जानते हैं सिर्फ ये टीनेज के बच्चे हैं क्यों पड़े इसके पीछे। पहले तो ये बच्चे इसलिए स्मोक करते हैं ताकि वो ज़्यादा मैच्योर
कि अगर मेरा दोस्त का लड़का की तरह नहीं था, एडवेंचर की वजह से ही था। लड़कों को हमेशा रिस्क लेना, एडवेंचर करना बहुत मज़ा आता है, इसलिए उन्हें लगता है चलो एक बार ट्राई मार के देखते क्या हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट्स पहले क्या होता था कि बहुत फेमस एक्टर्स वो ऐसे टी वी पर आते थे, ये स्मोकिंग के ब्रांड पर ऐसे प्रमोट करते थे, तो लोग भी देखते थे मेरा फेवरेट एक्टर है, मैं भी करूँगा स्मोकिंग, और वो स्मोकिंग शुरू करते थे। स्ट्रेस की वजह से मैंने आपको अपने स्पीच में भी बताया था, जैसे आप रोज़ काम करते हैं तो टेंशन हो जाता है और आप स्मोकिंग शुरू कर सकते हैं। स्कूल एटमोसफेयर, यानी स्कूल में आपके कोई टीचर स्मोक कर रहा है या फिर घर में आपके कोई माँ बाप स्मोक कर रहे हैं, इसकी वजह से इनहेरेंट हो जाते हैं। टबैको हर एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है, चाहे वो आपके हार्ट पेन हो, आपका दिल हो, दिमाग हो, लिवर हो, पेट हो, मुंह हो, दांत हो, सब कुछ। स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर ऑफ द टंग, यानी जीभ का कैंसर, सलाइवरी ग्लैंड का कैंसर, मुंह का कैंसर, हार्ट का कैंसर, कि आपके फूड पाइप को भी हार्म करता है, आपके पेट को भी हार्म करता है, आपकी किडनी को भी हार्म करता है। तो आप इन सब पिक्चर्स को देख के कह सकते हैं कि स्मोकिंग इज अग्नि। अभी ज़्यादा लेट हो जाए इससे पहले हम अपना भविष्य अच्छा बनाते हैं। बैड हैबिट शुरू होने से पहले हमें प्रिवेंट करनी चाहिए, इससे पहले कि स्मोकिंग आपकी पूरी बॉडी पे कब्जा कर ले, आपको उसे छोड़ना चाहिए, आपको अपने दोस्तों से कंसल्ट करनी चाहिए, आपको मैंने हॉटलाइन दी थी उस पर कॉल करके कंसल्ट करो ताकि ये आपकी मदद कर सके। आपको उसके सामने नहीं खड़ा होना चाहिए कि मेरे सामने मत करो मुझे तकलीफ हो रही है। आप कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं ताकि आपका भला हो। आप 5 ईयर्स काउंसलिंग भी एक तरीका है जिससे आप स्मोकिंग बंद करा सकते हैं लोगों के साथ, ये भी डीएचए हॉटलाइन में दिया हुआ है। तो अभी एक वादा करते हैं, वी आर अ फोर्स ऑफ टबैको फ्री गुडनेस, हम नहीं स्मोक करेंगे, हम दूसरों को भी नहीं करने देंगे।